डिमांड है भैया इस गाड़ी का? इसका डिमांड है मात्र 2,80,000। 2,80,000 वैल्यू बहुत ज्यादा है, आने वाला समय में क्रेज इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है ये। ऑटोमेटिक है ये, तो देख सकते हो आप 30% जमा करके यहाँ से गाड़ी ले सकते हो। अपना टोटली फिट है ये गाड़ी। इसने क्या रखा है यहाँ? रखा मैंने प्राइस मात्र 2,00,000। गाड़ी में एक रुपया था आपको लेकर, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो रोमिंग बर्ड यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि हमें दिखाइए ग्रोवर मोटर्स का कलेक्शन, क्योंकि आप लोगों को भी आदत पड़ गई है शोरूम कंडीशन कार लेने की। और आप जैसे कि देख सकते हो पीछे में बहुत सारी गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी बैकग्राउंड में, तो ये सारी गाड़ियाँ सेल के लिए ही लगी हुई है सेकेंड हैंड में, जो कि पटना बिहार में खड़ी है। एड्रेस आपको प्रॉपर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो सारा कुछ काफ़ी ईजी आपको पड़ेगा अगर आपको परचेस करना है या फिर डिटेल चाहिए। गाड़ी आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ना लगी हुई है, स्कोडा रैपिड लगी हुई है, हिंडई की आइकन लगी हुई है, और यहाँ पे सेवरलेट की बीट, और यहाँ पे आपको डिजायर और रेनॉल्ट की डस्टर, सारी गाड़ी आपको मिल जाएगी। आज मैं आपको दिखाने वाली छोटी गाड़ी, मतलब अगर आपके बजट कम है और अगर आप चाहते हो एक फोर व्हीलर अफोर्ड करना, ये वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी रेट में आपको मैं आज गाड़ी दिलाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो पसंद आएगी यार तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना अपने भाई को कि कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं यहाँ के ऑनर से, जो कि हमें देंगे सारी गाड़ी की डिटेल कि कौन सी गाड़ी कितनी चली हुई है, कौन से साल की गाड़ी है, और हमें कितने रुपये देने पड़ेंगे उन गाड़ियों को अपना बनाने के लिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हमें गाड़ी की इंक्वायरी देने में हेल्प करेंगे फिर से रोहित भाई। तो रोहित भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, एक बार हमारे व्यूअर्स को हाई कीजिए। तो आज क्या कलेक्शन रहने वाला, आज क्या नया आप दिखाने वाले हो? 7-8 गाड़ी का आपको कलेक्शन दिखा देंगे, ठीक है भैया। और ज्यादा गाड़ी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, वेगनार, विस्टा, i10, बिल्कुल, स्कोडा, वर्ना, हाँ जी, डस्टर, डिजायर, सब दिखाएंगे आपको, बिल्कुल। और रेट कैसा रहेगा? रेट हमारे ऑडियंस के लिए बढ़िया रहेगा आज? रेट वही 2.5 लाख से लेके बिल्कुल 6 लाख 7 लाख, सब रेंज में गाड़ी दिखाएंगे, 4 लाख 3 लाख 2 लाख सब गाड़ी। और आपको कंडीशन तो पता ही है कि एज गुड एज न्यू कंडीशन होती है यहाँ पे। तो पहली गाड़ी रोहित भाई कौन सी आप दिखाने वाले हो? पहली गाड़ी आपको दिखा देंगे i10। i10 ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताइए भैया हमें। ये 2013 मॉडल है, ठीक है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है, पेट्रोल है, स्पोर्ट्स है। तो i10 का ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है भैया। स्पोर्ट्स कौन सा वेरिएंट आता है, टॉप आता है या सेकंड टॉप? सेकंड टॉप है इसका, सेकंड टॉप आता है। 2013 आपने बताया, किलोमीटर कितना चला हुआ है भैया? किलोमीटर चला हुआ मात्र 29,000। तो 29,000 किलोमीटर चला हुआ है। आप कंडीशन देख लीजिए गाड़ी के, टायर का, साइड प्रोफाइल गाड़ी का देखिए। तो भैया मुझे एक बात और जाननी थी कि यहाँ से जो गाड़ी हम लोग लेकर जाएंगे या फिर कोई भी आके ले जाता है, तो कुछ काम करवाना होगा हमें? गाड़ी में एक दूसरा काम को नहीं कराना है, काम नहीं कराना, पेट्रोल डलाना है, चलाना है, बाकी तो आप देख सकते हैं भैया, दिखा देंगे। बिल्कुल, आप देख लीजिए PR01 पटना नंबर गाड़ी है, हुंडई का, यहाँ पे आप देख सकते हो सारा बेजिंग वगैरह लगा हुआ है, और साइड से भी गाड़ी को आप देख लीजिए। आइए थोड़ा सा इंटीरियर देखते हैं हम लोग। तो इंटीरियर में आप जैसा ही देख सकते हो, चारों विंडो पावर है, यहाँ पे आपको मिलेगा कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, और सीट की कंडीशन भी आप देख सकते हो। तो गाड़ी को ओवरऑल व्यू हमने दे दिया है, सारा कुछ भैया ने डिटेल भी दे दिया है। क्या डिमांड है भैया इस गाड़ी का? इसका डिमांड है मात्र 2,80,000। 2,80,000 नेगोशिएशन, कुछ नेगोशिएबल जरूर हो जाएगा। हाँ जी, तो ये वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी 2,80,000 में, जो कि थी हमारी आज की पहली गाड़ी। आइए अगली गाड़ी की हम लोग बात करते हैं भैया। ये स्कोडा की गाड़ी है, बहुत डिमांड में, इसके बारे में बताइए। ये 2015 मॉडल है, ठीक है, फर्स्ट ऑनर है, स्कोडा का रैपिड, स्कोडा रैपिड है, डीजल है, ठीक है। किलोमीटर कितना चला हुआ है? किलोमीटर चला हुआ मात्र 38,000 किलोमीटर चला हुआ है। BR01 स्कोडा की यहाँ पे सेडान गाड़ी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, एलोवी वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। साइड से आप गाड़ी को एक बार देख लीजिए, तो कहीं भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, जो कि शहर में चलने पे जो हो जाता है वो सारा कुछ आपने सही करा दिया है। तो हाँ जी, तो सारा कुछ सही हो गया है। आइए इंटीरियर भी हम लोग देख लेते हैं इस गाड़ी का। तो इधर से आप देखते चलिए और साथ में हम लोग देख लेते हैं इसका इंटीरियर। तो स्कोडा है, लग्जरी गाड़ी में आती है, और जैसा कि आप देख भी सकते हो सारा कुछ काफ़ी अच्छा। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे कंट्रोल मिल जाएगा, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, और सीट की कंडीशन भी आप देख सकते हो।
तो ये बात हुई हमारी आज की दूसरी गाड़ी की। थोड़ा सा हम लोग इसका रेट भी जानेंगे। भैया क्या रेट रखा है आपने इसका? रेट है मात्र 4,80,000। नया कितने की आती है भैया? नया ये पड़ेगी आपको 10,25,000 रुपये। 10,25,000। तो 10,25,000 रुपये की गाड़ी है, 4,80,000 डिमांडिंग प्राइस है, नेगोशिएशन हो ही जाएगा। तो ये बात है हमारी स्कॉडा रैपिड की। डीजल वेरियंट भी है? डीजल वेरियंट, डीजल है ये। अगली गाड़ी भैया इसके बारे में बताइए। ये बरना है 2012 की, ठीक है, सेकेंड टॉप मॉडल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, डीजल वेरिएंट है। ओके, बाकी आप? हाँ जी, बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे कंडीशन वगैरह सारा कुछ देखिए। टायर में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी, यहाँ पे अभी टायर बाकी भी है, और यहाँ पे साइड मिरर पे इंडिकेटर मिलेगा, और कंडीशन आप इस ओर से भी गाड़ी को देख लीजिए। भैया कितना किलोमीटर चला हुआ है ये? ये चला हुआ मात्र 42,000। ठीक है, तो 42,000 किलोमीटर चला हुआ है। इंटीरियर आप देख लीजिए सारा कुछ, काम कंप्लीट कराया हुआ है। डैशबोर्ड वगैरह कुछ भी आप देखिएगा तो नीट एंड क्लीन आपको मिलेगी। तो मतलब यहाँ से आपको ले जाने के बाद कोई भी काम नहीं कराना है। बाकी भैया ने डिटेल दे दिया है। ऑनर फर्स्ट है भैया ये? ऑनर फर्स्ट है इस गाड़ी का। देख सकते हो नंबर यहाँ पे BR01, मतलब पटना रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसका क्या डिमांड रखा? इसका डिमांड 4,85,000। 4,85,000। तो वर्ना जैसी गाड़ी आपको यहाँ पे 4,85,000 में मिल रही है। ईयर एक बार फिर से हमारे व्यूअर्स को बताइए। 2012 मॉडल। लेकिन देख के आपको नहीं लगेगा क्योंकि कंडीशन बहुत ही अच्छी है। अगली गाड़ी भी है, इसके बारे में बताइए हमें। ये टाटा की इंडिका विस्टा है, ठीक है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, डीजल वेरिएंट है। कौन से साल की है भैया ये? 2012 की मॉडल है। 2012 की मॉडल है ये भी, पटना रजिस्ट्रेशन। कितना कराता है इस गाड़ी का? यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी को राइट हैंड साइड से। बाकी आप देख लीजिए इंटीरियर इस गाड़ी का। तो ये थी टाटा की इंडिका विस्टा। भैया ने डिटेल सारा कुछ दे दिया। एक चीज़ भैया का बाकी रह गया था, वो था भैया किलोमीटर। इसका किलोमीटर कितना चला? किलोमीटर जेनविन चला हुआ है 27,000। 27,000 विद कंपनी रिकॉर्ड? हाँ, कंपनी रिकॉर्ड, विद कंपनी रिकॉर्ड 27,000 किलोमीटर मात्र ये चली हुई है। आप देख सकते हो कंडीशन भी बहुत कुछ कह देता है गाड़ी का। तो आप देख लीजिए अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। नए का प्राइस बताइए भैया, उसके बाद आपने क्या रखा है? नए का दाम था इसका उस समय 6,25,000 रुपया। 6,25,000। आपने क्या रखा है? यहाँ रखा मैंने प्राइस मात्र 2,35,000। 2,35,000 काफ़ी अच्छी गाड़ी है। आप देख सकते हो 2,35,000 का डिमांड है। ज़्यादातर ये गाड़ी ओला उबर में भी चलती है। हाँ जी, तो ये बात होगी टाटा इंडिका विस्टा की। अगली गाड़ी भैया इसके बारे में बताइए, वैगन आर। ये 2016 मॉडल है, ठीक है, पेट्रोल वेरिएंट है। पेट्रोल वेरिएंट, तो पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है वैगन आर। किलोमीटर कितना चला हुआ है? किलोमीटर चला हुआ 32,000। तो 32 गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 32,000 किलोमीटर चला हुआ है। वॉक अराउंड में आपको करा रहा हूँ अच्छे से। टायर देखना चाहते हैं भाई लोग तो वो भी देख लीजिए, और रही बात इंटीरियर देखने की तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों विंडो आपको पावर मिलेंगे, कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम है, लेदर का सीट कवर लगा हुआ है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है, और बैक में भी आप देख सकते हो। तो ये थी गाड़ी की इंटीरियर, और बाहर से कैसी दिख रही थी वो भी हमने बता दिया, और भैया ने डिटेल भी दे दिया। क्या डिमांड रखा है भैया इस गाड़ी का? डिमांड है मात्र 3,65,000। 3,65,000 वैगन आर, और विथ पेपर वर्क भी है या फिर पेपर वर्क का अलग से देना पड़ेगा? पेपर वर्क का अलग से देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हाँ। और नेगोशिएशन? कुछ नेगोशिएशन जरूर होगा ऑन टेबल, कुछ हो जाएगा। तो 3,65,000 में आपको वैगन आर जैसी गाड़ी मिल रही है, कंडीशन आपके सामने है। तो ये बात हो गई वैगन आर की। अगली गाड़ी भी कौन सी आप दिखाने वाले हो हमें? अगली गाड़ी दिखाएंगे आपको डिजायर। तो अगली गाड़ी अभी हम लोग देखेंगे डिजायर, उससे पहले थोड़ा हमें बताइए यहाँ पे फाइनेंस की सुविधा है? जरूर फाइनेंस हो जाएगी। हाँ, पटना का, ठीक है, एड्रेस पे। भैया क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट वो भी थोड़ा बताइए, बहुत कंप्लेन करते हैं हमारे। 2 साल का ITR, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 मंथ का बैंक ट्रांजेक्शन, 6 कैंसिल चेक। ओके, पटना में अपना घर होना चाहिए, बस इतना चीज रहेगा, लोन हो जाएगा। अगर वो भैया किसान है तो सब हो सकता है, खेतौनी वगैरह देखे जो होता है फाइनेंस। किसान है तो उसके लिए एक सिस्टम है, किसी को तो सबका ही यहाँ पे फाइनेंस भी हो जाएगा, जैसा कि भैया ने बताया। गाड़ी जितनी गाड़ियाँ हैं सब गाड़ी 13 मॉडल के ऊपर लोन होगी, 13 मॉडल नीचे लोन नहीं होती है गाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नई गाड़ी थोड़ी होनी चाहिए, ऊपर की मॉडल होनी चाहिए, तो 2013 के ऊपर का होना चाहिए। और भैया डाउन पेमेंट कितना देना होगा? डाउन पेमेंट सब गाड़ी का ऊपर अलग अलग है, ठीक है, फिर भी एक अप्रॉक्स में कितना होता है भैया? वही 30%। तो देख सकते हो आप 30% जमा करके यहाँ से गाड़ी ले सकते हो, और थोड़ा बहुत मैटर करता है कि कौन सी गाड़ी है। हाँ जी, तो ये तो बात होगी फाइनेंस फैसिलिटी की, मतलब लोन की। अब गाड़ी पे आते हैं भैया, डिजायर आपने बोला था, बताइए इसके बारे में।
ये 2013 मॉडल है, फर्स्ट मॉडल गाड़ी है, टॉप मॉडल गाड़ी है, ZXi है, पेट्रोल वेरिएंट है, 13 का दिसंबर का गाड़ी है, लास्ट की गाड़ी है ये, लास्ट की गाड़ी। किलोमीटर कितना चला हुआ है? किलोमीटर चला हुआ मात्र 29,000। तो 29,000 किलोमीटर चला हुआ है, पटना रजिस्ट्रेशन कार है, 2013 की दिसंबर की गाड़ी है। गाड़ी को आप पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग रेट जानेंगे। क्रोम लगा हुआ है यहाँ पे साइड मिरर पे भी, यहाँ पे डोर वाइजर लगा हुआ है, और देख सकते हो सारा कुछ ही फिटिंग कराया हुआ है। अलॉय व्हील है यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये टॉप एंड मॉडल गाड़ी है। इंटीरियर देख लीजिए, तो आपको चारों विंडो पार मिलेंगे, कहने की बात नहीं है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स और सीट वगैरह की भी कंडीशन आप देख लीजिए। पीछे में हैंडरेस्ट भी मिलेगा, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ये तो बात हुई गाड़ी की डिटेल की, बाहर से कैसी दिख रही थी वो भी मैंने दिखा दिया। स्टैंडिंग एक बार मैं आपको चाहूँगा कि देख लीजिए, तो गाड़ी की स्टैंडिंग आप देख सकते हो। भैया क्या डिमांड रखा है इस गाड़ी का? डिमांड है मात्र 4,40,000, मतलब टॉप एंड गाड़ी आप दीजिएगा डिजायर 4,40,000। ZXi है ये, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 4,40,000 लेकर आइए, और डिजायर का टॉप एंड वेरियंट आप लेकर जाइए। तो ये बात होगी डिजायर की, जो कि आज की हमारी सेकेंड लास्ट गाड़ी थी। आखिरी गाड़ी आप कौन सी दिखाने वाले? लास्ट गाड़ी आपको दिखा देंगे सिलेरियो। सिलेरियो तो भैया की खुद की ये फेवरेट कार है, तो भैया इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। ये 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 31,000 चला हुआ है, ऑटोमेटिक है ये। ऑटोमेटिक है ये सिलेरियो का ऑटोमेटिक वेरियंट, 2016 मॉडल, पेट्रोल वेरियंट है। किलोमीटर कितना चला हुआ है? किलोमीटर चला हुआ मात्र 31,000 किलोमीटर चला हुआ है। BR01 पटना रजिस्ट्रेशन कार है। सामने से गाड़ी को आप देख लीजिए, साइड प्रोफाइल में आपको गाड़ी को दिखा देता हूँ। स्क्रैचलेस पीस है ये गाड़ी, स्क्रैचेस आपको एक भी नहीं दिखेंगे। क्रोम वगैरह हेडलाइट पे लगा हुआ है, साइड मिरर पे लगा हुआ है, डोरवाइजर भी लगा हुआ है, मतलब टोटली फिट है ये गाड़ी। ऑटोमेटिक सेगमेंट में है, तो अंदर से हम लोग देखेंगे गाड़ी को, थोड़ा सा आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा गाड़ी की कंडीशन के बारे में। चारों विंडो पावर है, यहाँ पे आपको सोनी का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, और जैसा कि आप देख सकते हो ऑटोमेटिक सेगमेंट है, मतलब यहाँ पे आपको क्लचलेस गाड़ी मिलेगी। और आप देख लीजिए अंदर से कंडीशन गाड़ी की। तो ये थी हमारी आज की आखिरी गाड़ी, बात रह गया बस इसके प्राइस का। तो भैया प्राइस बताइए इस गाड़ी का। इसका प्राइस है मात्र 3,65,000। 3,65,000 नई कितने की आती है अभी? नहीं, ये पड़ेगी आपको 6,20,000। 6,20,000 की गाड़ी आपको नई पड़ेगी। भैया ने रेट बता दिया है, नेगोशिएशन के चांसेस भैया? जरूर नेगोशिएबल चांसेस भी है, इसका रिसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, आने वाला समय में क्रेज इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है ये। ऑटोमेटिक है ये तो। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना अपने भाई को कि कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को मेक श्योर करो कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो इतना तो हक बनता है कि आपसे मैं कह सकूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और अगर आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर रिटेन में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एड्रेस और फ़ोन नंबर मैंने दे दिया है। तो अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और जैसे पहले प्यार देते थे वैसे ही प्यार दीजिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।